ऐसा ऐसा वहां लाश मिलता है ना, 30 साल 40 साल पुराना लाश मिलता है जो शहीद हो गए ऐसा लड़ते लड़ते। जैसे रेडियो पे बोले पाकिस्तानी सबको पता चल गया अबू आ चुके हैं, कोई बजरंग बली की जय बोल रहा है, कोई उधर नमाज पढ़ रहा है अपना, भाई बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तानियों को लगा नमाज पढ़ रहा है, हमारा ही आदमी होगा। ये गधा सब हेलीकॉप्टर से सब समन्वा वहीं गिरा दिया समाव सबसे नहीं। अरे बैल कम से कम देखो, भारत हर धर्मों से मिलकर बना हुआ है, उसको लगा कि ये कौन है, हमारे आदमियों का गिरा दिया था, जब गिर गया तो भारतीय सेना मार के उन्होंने गिरा दी। इसी चीज की तो कमी थी। 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को बड़ी मार मारा था, और उस समय हम लोग को डर इस बात का था कि अमरीका उसको बचाने मत चला है, तो उसके 93,000 फौजियों को हम लोग पकड़े थे, 93,000 फौजियों को हम लोग क्या कर दिए थे, पकड़ लिए थे। ऐसा हिजड़ों की फौज रख के क्या पता कि 93,000 पकड़ा जा रहा है सर, बताइए उतना 93,000 फौजी पकड़ा कैसे गया यार, बताइए कितना लोल था सब। 93,000 अगर पैदल चल जाएगा गांव का गांव दबा के मर जाएगा, नहीं जाए, और 93,000 हार गया सर। इसीलिए कहते हैं असल में ना भारत में कैसे बोलते हैं माँ का दूध पियो तो आओ, नहीं देखते हैं वहां पे लड़ने के लिए। पाकिस्तान में ज्यादातर ससुराल सब पड़ोसी का रहता है, तो पड़ोसी वाला तो पकड़ ही करेगा सर। तो कितना पकड़ा गया सर, 93,000। उसका सबसे बड़ा रीजन समझ में आ गया क्या चीज, पड़ोसी का था। अब घर है लाहौर में, बाप है कराची का तो कैसा होगा, क्रॉस ब्रीड अच्छा नहीं होता है तो वो सब कितने पकड़ा गए थे, 93,000। बाद में हम लोगों ने समझौता किया, शिमला समझौता, और उन सबको क्या कर दिया, लौटा दिया कि ले जाओ। असल में हम लोग इसलिए लौटाए कि पड़ोसी वाले उनको रख के हम लोग करेंगे क्या, खाली खाता था सब बैठ के, हम लोग ने लौटा दिया। उसी दौरान कई सारे समझौते भी हुए, समझौते ये हुए, शिमला समझौता हुआ, उसी में एक समझौता ये भी था कि सियाचिन ग्लेशियर पे इतना ठंड पड़ती है कि एक समय था जब यहाँ से 3 फौजी जाते थे ना तो कन्फर्म था कि इसमें से कोई एक है जो लौट के नहीं आएगा, इतना ठंडा, -56°C, माइनस कितना डिग्री, 56°, -56 0° पे बर्फ बन जाता है, 0° रहता है तो कितना हो जाता है बर्फ, -56°। वहां अगर आप थूकिएगा ना इसे तो जमीन पे गिरने से पहले वो बर्फ जम जाता है, अंडा को हथौड़ी से फोड़ना पड़ता है, इतना ठंडा हो जाता है, जो अंडा होता है कच्चा अंडा ऐसे गिर जाता है तो फूट जाता है, चला के मारिएगा नहीं फूटेगा, हथौड़ी से फोड़ना पड़ेगा। जो जूस होता है ना, जूस पैकेट वाला जो जूस आता है, उसको पहले चाकू से काटा जाता है, एकदम जम जाता है बर्फ, टुकड़ा टुकड़ा करके पतीली में रख के 4 सीटी लगाइएगा तब वो जूस पीने लायक होगा। 20 सीटी में आलू गलता है, यहाँ 20 सीटी में आलू गायब हो जाएगा इतना वहां पे क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है। सोच सकते हैं कितना खतरनाक, अगर ग्लव्स के बाहर हाथ आ गया ना तो काट के निकालना पड़ जाएगा। वहां फौजियों को दाढ़ी कटवाने नहीं दिया जाता, दाढ़ी बहुत ठंड रोक लेता है, बाल दाढ़ी ठंड क्या करता है, रोक लेता है, इतना भयानक ठंड पड़ता है। हम जब सांस लेते हैं तो सांस में हल्का सी नमी भी रहती है, तो हमला का शरीर गर्म है, उस नमी को वापस फेंक देता है, लेकिन ठंड के दिन में वही नमी दिखने लगती है, ऐसे देखते हैं भाप दिखने, अगर और ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो फेफड़वा में कभी कभी बर्फ जम जाता है, मर जाता है आदमी। फौजी ड्यूटी कर रहा है, ज्यादा सांस उसे ले लिया ना तो पल्मोनरी करके कोई बीमारी हो जाता है, हाइपोक्सिया पल्मोनरी करके तो बीमारी हो जाता, मर जाता आदमी ठंड से, वहां इतनी खतरनाक हो जाता। चलते चलते बर्फ में चलेगा, अचानक धंस गया, धंस के बर्फ ढक गया, अब खोजना पड़ता है कहाँ गया, तो भाला रखे रहते हैं लोग, आगे नोक नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा नोक तोड़ दिया जाता है, अब भाला खोदते हैं, अगर भाला घुस गया अंदर तो समझ जाएंगे यहाँ नहीं है, अगर जहां रुका तो क्या है वहीं पे है, तुरंत खुदाई करके निकाला जाता है। ऐसा ऐसा वहां लाश मिलता है ना, 30 साल 40 साल पुराना लाश मिलता है जो शहीद हो गए ऐसा लड़ते लड़ते, नहीं मिल पाया बॉडी, वहीं दब गया, कभी बर्फ की गलती है तो बॉडी मिलती है। तो इसलिए पूरी दुनिया फौजियों की रिस्पेक्ट करती है, वहां अपने घर के उन लोग को ना मुखाग्नि मिला ना किसी को अपने घर की मिट्टी मिली, वहां पर वहां अभी भी है। तो यहां बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, जिससे कि दोनों देशों ने समझौता किया कि ठंड के दिन में हम दोनों अपनी अपनी फौज को वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है आप भी बुला लीजिएगा, हम भी बुला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाला जो था सब, भारत इधर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि क्या चल रहा था, बर्फ, तो भारत कहा कि छोड़ो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 साल से पाकिस्तान भी इधर नहीं गया था, ठंडी गर्मी बरसात कभी नहीं जाता था, अब भारत भी इधर 8-10 साल से नहीं गया। लेकिन भारत को गुप्त सूचना मिली कि वहां पाकिस्तान क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है,
वहां पे क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। अब वहां रहने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं थे, वहां रहने के लिए बहुत खतरनाक कपड़े की जरूरत होती है। हम लोग चरचर को रजाई ओढ़ लेंगे तब वो ठंडा मार देगा, रजाई से मायने नहीं रखता, किस क्वालिटी का कपड़ा है उस टाइप का होता है। जैसे एक तो बर्फीले क्षेत्र में जाएंगे ना तो उसके ऊपर एक तिरपाल टाइप का पहनता है, उसको क्या बोलते हैं, चीटर, हाँ वही चीटर, तिरपाल बोलो ना उसको सीधा, ऐसे ऊपर क्या ओढ़ लिया था तिरपाल, तो ठंडा को क्या करता है, रोक लेता है। उस तरह बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े चाहिए जो इस ठंडी में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब भारत के पास ये था नहीं, और वहां पे बर्फ वो भी जम जाता है, बंदूकों जम जाता है, गोलियों नहीं चल पाता है। इतना खतरनाक कंडीशन में लड़ने के लिए भारत को किस चीज की जरूरत थी, कपड़ों की। अब वो कपड़े बनते थे नॉर्वे में, कहां बनते थे, नॉर्वे में। तो भारतीय सेना नॉर्वे गई, ये देश है नॉर्वे, और कही कि हमको ठंड के कपड़ों की जरूरत है, बताइए पूरा। तो कहा कि आप कोटेशन दीजिए क्या रेट पड़ेगा क्या नहीं। तो नॉर्वे से पता चला कि हाँ रेट क्या पड़ेगा, सारा रेट वोट फाइनल हो गया। बाद में उसने नॉर्वे ने कहा कि हम 2 साल तक आपको ये कपड़े नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ही ज्यादा है, हम जब उनको डिलीवर कर देंगे तभी दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि किस देश का ऑर्डर है, तो कहा पाकिस्तान का। भारत का हालत खराब हो गया, क्योंकि भारत को हमला कहां करना था, सियाचिन में, और कपड़ों का ऑर्डर कौन लेके बैठा था, और उसके बाद पहले से कपड़े अवेलेबल थे, कुछ के अवेलेबल थे, कुछ को मंगा रहा था। अब भारत के सामने समस्या आ गया कि अगर 2 साल बाद हम लोग वेट करेंगे तब तक तो वहां जम चुके रहेंगे, और 2 साल तक वो पूरा हर चीज को समझ चुके रहेंगे। आप ही किसी शहर में 2 साल रह जाइएगा तो गली मोहल्ला नहीं जान जाते हैं, तो 2 साल में तो हम लोग और कभी नहीं हरा पाएंगे उसको। उस समय इंदिरा गांधी थी, 1984 ऑपरेशन राजीव चलाया गया, जस्ट उसके बाद राजीव गांधी भी आए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तब यहाँ पे भारतीय सेना ने कहा कि भाई हमला करना ही पड़ेगा, तो भारतीय सेना के पास वो कपड़ा ही नहीं था, तो भारतीय सेना ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भारतीय सेना अपने जितने जवान जवान थे, यंग जो थे, उन सब की भर्ती की और कहाँ भेज दी, सियाचिन, कहाँ भेज दी, सियाचिन पे चढ़ा दिया। सियाचिन पे जब चढ़ गए ये लोग ऊंचाई पर, तो इन लोग को कहा गया था कि आप रेडियो ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे रेडियो ऑन करते हैं ना फ्रीक्वेंसियां पता चल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई आदमी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई बात कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए मना किया गया था यहाँ पर। तो ये लोग आगे बढ़े, अब बर्फ में टेंट लगाए, तो एक फौजी बीमार पड़ गया, फेफड़े में पानी भर गया, उसको भेजना बहुत जरूरी था। अब मजबूरी में ये लोग क्या करें, टेंट लगाने का लगा दिए टेंट वहां पर, और उसके बाद वो इतना बीमार पड़ गया कि रेडियो पे इन लोग को मजबूरी में बोलना पड़ा। जैसे रेडियो पे बोले, पाकिस्तानी सबको पता चल गया अबू आ चुके हैं, समझ गया कि नहीं, पाकिस्तानियों क्या पता चल गया, आ चुके हैं यहाँ पर। अब पाकिस्तानी सब घेरना चालू कर दिया, सब पहले से था सब वहां पर। अब वहां पर उन लोग जो बीमार थे उनके वापस भेज दिया गया। एक चुनमन पांडे नाम था एक सिपाही का, जो बाहर में क्या कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, और बाकी लोग टेंट के अंदर थे ठंड से बचने के लिए। रात का समय था, पाकिस्तानी सोचे सब हमला किया जाए। तब तक देखे यहाँ पे चंचल पांडे, चुनमन पांडे, चंचल पांडे, चंचल पांडे ने देखा कि हमको कुछ हलचल दिख रही है, तो चंचल पांडे के ठीक सर पे गोली लगी आके एकदम। तब तक ये अपने बंदूक का ब्रश फायर ऑन कर चुके थे, ब्रश फायर से ना गोली अंधाधुंध निकलने लगती है, तो इधर से ये गोली मारे और उधर से सीधा गोली आके चंचल पांडे के कहां लग गया है, सर में। अगर वो गोली नहीं चलाए रहते ना तो टेंट के अंदर सारे लोगों की जान चल गई रहती, क्योंकि बंदूक की आवाज से ही उठे थे लोग वहां पे जो अंदर सो रहे थे। रात में जब गोली चला सब लोग उठे, और उसके बाद भारतीय सेना के पास तो उतना अच्छा कपड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों के पास जबरदस्त कपड़ा था, वो तो पाकिस्तानी सब उसी कपड़े पहन के एकदम ठंड में आ गए सर लड़ने। और हमारे यहाँ सबसे पहले ही जो ड्यूटी कर रहे थे चंचल पांडे क्या हो चुके थे, शहीद हो चुके। बाकी जब भारतीय सैनिक उठी तो उधर से पाकिस्तान के जितने भी फौजी आए थे A to Z को मार डाला, कोई नहीं बचा यहाँ पर, बस एक सैनिक शहीद हुआ था, और वो भी पहला अटैक था, पता नहीं चल पाया था बर्फ में रात में। अब ये लोग नया जगह था, पहली बार आए हैं, और सब वहां पे छुप के 1 साल से था, एक गोली मारा लेकिन उसके बाद एक भी शहादत नहीं हुई। अब भारतीय सैनिक को बस एक चीज की कमी थी, कपड़ा का, पाकिस्तानियों को उघारे कर दिया वहां उघारे फेंक दिया ही जाते नहीं भाई यहाँ पे, और कपड़ा पहन लिया यहाँ पे, और कपड़े पहन लिए। तो भारतीय सेना में हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, कोई देखिएगा कोई सिख है, कोई जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, इस्लाम धर्म के, सब धर्म के रहते हैं लोग, सब लोग अपना पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो सारे फौजी ड्यूटी कर रहे थे, आप पूरा ड्रेस वरेस पहन के, और उधर से रेडियो में आ रहा था, तो पाकिस्तानी बोल दिए थे सब कि हमारे ऊपर बहुत भयानक फायरिंग हो रही है, अबू फायरिंग कर रहे हैं, समझा गया कि नहीं आ गया।
तो भयानक पाकिस्तानी सब का रीइंफोर्समेंट भेजो, रीइंफोर्समेंट में मतलब और हथियार और सामान सब कुछ भेजो। उधर से सामान चल गया और जब तक चला कि इधर ये लोग भारतीय सेना वाले क्या कर चुके थे, निपटा दिए थे, कपड़ा पहन लिए। अब कोई वाहेगुरु की जय बोल रहा है, कोई बजरंग बली की जय बोल रहा है, कोई उधर नमाज पढ़ रहा है अपना। भाई बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तानियों को लगा नमाज पढ़ रहा हमारा ही आदमी होगा। ई गधा सब हेलीकॉप्टर से सब समन्वा वहीं गिरा दिया समान सबसे इतना ही। अरे बैल कम से कम देखो, भारत हर धर्मों से मिलकर बना हुआ है, उसको लगा कि ये कौन है, हमारे आदमियों का गिरा दिया था। जब गिर गया तो भारतीय सेना मार के उन्होंने गिरा दी। इसी चीज की तो कमी थी, यहाँ पर पूरी तरह से सियाचिन को क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया। हमारे पास ना उसको लड़ने के लिए हथियार थे, ना लड़ने के लिए कपड़े थे। वहां जाने के बाद खाना भी खत्म हो गया था, उन सब को मारे भी किए थे, उन सब का खाना वाना जो बचल था वो खा लिया। खाना अच्छा बनाता है सब उस खाना देखिए ठंड के क्षेत्र में लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि खाने में अगर कमी करिएगा तो शरीर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बढ़िया वहां पे खाना वाना खा के एकदम डट के रह गए, और उसके बाद कह लो कि आप तो वायरलेस चालू कर सकते हैं, अब क्या दिक्कत है। वायरलेस पे खबर दिया गया तो यहाँ जो बेस पर बैठे थे लोग उन्होंने डांट दिया। जब मना किया गया है कि वायरलेस का यूज नहीं किया जाए, व्हाई यू आर यूजिंग द वायरलेस, उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई आई यूज वायरलेस। मिशन सक्सेस हो गया, अब कौन सी वायरलेस का मतलब, यहाँ तो टावर लगी तो हम तब से 1984 से लेकर अब तक वहां पर किसका कब्जा है, किसका। लेकिन आप सबको पता है कि हमेशा जो बच्चे बिगड़ जाते हैं वो बाप से कहते हैं कि हमको जमीन कम दिया है, तो हमेशा पाकिस्तान शिकायत भारत से कहता है कि अब्बू ने हमारी जमीन हड़प ली है। अब ये तो घर घर की कहानी है भाई, नहीं देखते हैं, अब तुम मुकदमा करो यहाँ पे। तो ये तो जमीन हम जितना दिए, नलायक बच्चों को कितना दिया जाता है, कम ही दिया जाता है, तो नलायक था उसको कम दिया गया। तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित, सियाचिन। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन, सियाचिन खाली हो गया कि नहीं हो गया, मारा तिब्बत से भेज भाज के रद्द कर दिया। अब सिंपल सा आप सोचिए ना, अगर कश्मीर पर हम लोग क्या करें, कश्मीरियों को उठा उठा के अलग अलग राज्य में छीट दिया जाए, कोनो को केरल में भेज दिया जाए, तमिलनाडु इधर उधर, कश्मीर हो जाएगा खाली, और कश्मीर में एक वैकेंसी निकाली है, बिहारी को भर दीजिए। आप बताइए क्या कश्मीर से कभी आजादी की मांग उठेगी, हाँ नहीं उठेगी। अब बिहार की महिला जाएंगी से तो कश्मीर में आधा पाकिस्तान चिपरी पात के कब्जा लेगी से, गाय का गोबर का जो चिपरी होता, बिहार की महिला जहां पात दी वो दीवाल उसका, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के संसद पे पात देगी, ले हमरा लो